अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जूले वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि हम हो गए तैयार वापस चंडीगढ़ जाने के लिए, तो सर भी ठीक हो गए तो अल्लाह का शुक्र है। पैकिंग वैकिंग हो गया, मैम मूवमेंट ऑर्डर लेने गया है। मैं मिस्टर मूवमेंट ऑर्डर फौज में यहाँ वहाँ मूव होता है तो एक पर्चा बनता है, एक चीट बनता है, क्योंकि फौज का इलाका है इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। तो क्या हम रेडी हो गए? वो भी कुछ होगा मैं आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो पर बने रहिए। हम पहुंच गए पानीपत, तो यहाँ पे एक झिलमिल ढाबा है। सर बोल रहे हैं कि यहीं खाना खाएं, तो हम यहीं खाना खाएंगे, कुछ खाते हैं। सो गाइस, ये है थाली, दाल सलाद चावल, तो ये भी आ गया लस्सी, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी यम्मी है। सब भी खा रहे हैं यहाँ पे, मैडम भी खा रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ है गाइस। बहुत बढ़िया है, एक नंबर बना है, मज़ा आ गया गाइस। मैंने कर दिया फिनिश, बहुत मज़ा आ गया। इसके बाद चाय पियेंगे, सब भी बैठे सब भी चाय पियेंगे। ने खाना खा लिया, मजा आ गया। ये वाला है हरियाणा के अंदर गाइस, तो मैंने गुड़ भी खा लिया, तो फिर चलते हैं यहाँ से, और लगभग 60-70 किलोमीटर है, फिर आपको चंडीगढ़ में मिलेंगे इसके बाद। ओके चलते हैं फिर। ओके सो गाइस, हम पहुँच गए चंडीगढ़, अभी मैं रामगढ़ में हूँ, जस्ट पहुँचा हूँ अभी। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है, 8:30 बजे हम पहुँच गए, तो एक भाई लेने आ रहा है, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ रोड पे। बिल्कुल मन नहीं लग रहा गाइस यहाँ पे, अभी मैं बाहर निकल आया और मेरा एक भाई है, आप भाई बोल सकते हो, भाई जैसा मानता हूँ, तो वो बोल रहा था यार उसके पास आ जाओ, तो मन नहीं लग रहा है, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ गाइस। और मैं बोल रहा कि सुबह 5:30 बजे आ जाओ बोल रहा है, तो तब भी यार मेरा मन नहीं लग रहा। कल तक यूपी में ऐसे ही घूम रहा था ना, तो एक जेल के नीचे ऐसे बंद हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए यार उस भाई के पास जा रहा हूँ। तो भाई आ रहा है मुझे लेने के लिए ऑटो लेके, तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ चौराहे पे, तो लोग मुझे पता नहीं देख रहा है, सब ऐसे ऐसे देखते जा रहा है, कोई बात नहीं देखने दो। यार मन नहीं लग रहा है यार, मैं एकदम यार ना मैं ऐसे मैं चेंज वन टू चेंज कर देता हूँ, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता यार, मैं कहीं भी ले जाऊँ मुझे, तो दिल को थोड़ा तसल्ली दे रहा हूँ। भाई के पास आज रुकते हैं, फिर सुबह वापस आते हैं जल्दी। कहाँ पे? अरे वहीं से आया तो गंदा लग रहा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ तो ठीक था, बढ़िया था। अब क्या कर रहे हो भाई? आ गया भाई, भाई क्या करें अब चंडीगढ़ की क्या क्या? लाइक और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब भाई, लाइक और कमेंट करो जल्दी जल्दी, कभी बार में गोल्ड मिलेगी, गोल्ड मेडल मिलेगा। ओ दादा की करवो बोलो बसी, कौन सी करनी है? कौन सी करनी है? हिंदी बोल दिया यार, हम तो बंगाली बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहा है बंदा। हां अली मुझे आता ही नहीं, तो हम बंगाली थोड़ी ना बोलूं। क्या बना रहे हो आप? क्या मछली? मछली 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 का कुछ ये सिंगल कटा के मछली है, इसका तवा उठाएगा ही बाबा, ये है सिंगल काटे का मछली। क्या बोलते मछली? मछली का नाम क्या है? इसका मछली का क्या नाम है बाबा? मछली का क्या नाम है? सिंगाड़ा। सिंगाड़ा सिंगाड़ा सिंगल काटे का, ये सिंगल काटे का मछली सिंगाड़ा। भाई साहब मसाला वाला, मसाला वाला, मसाला वाला मच्छी बना रहे गाइस, सरसों के तेल, सरसों का तेल में सही है।
बगैर कांटे का भी होता है, बिना कांटे का भी है यहाँ पर मछली, खत्म हो गया है इधर, बिना कांटा वाला खत्म हो गया है, देसी भी है। अभी आप कांटा वाले बना रहे हो, देसी मछली भी है। अच्छा, तीन प्रकार के मछली है, मान लो कि तीन प्रकार के। अच्छा अच्छा अच्छा, गोल्डन भी है, गोल्डन भी। तो भाई इधर जाके तो गाइस हम खाएंगे मछली, तीन चार प्रकार के मछली है। तो अंदर बैठता हूँ थोड़ा यार। आ जाओ आमिर भाई, बनाओ। अरे बना क्या बनाया, आ जाओ ना। अच्छी नहीं बनेगी ना। क्यों? तो गाइस तीन चार कितना सात प्रकार की मछली बोल रहे हैं, तो हम भी खाएंगे, भाई का जो फेवरेट है वो खाएंगे। तो भाई दे रहा है डिमांड, ऑटो में बैठ के खाएंगे गाइस, और आपको भी दिखाएंगे। सात प्रकार की मछली है। सो 26 चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट, ये बंगाली बाबा है की कॉर्बो बालोबासी। तो हमने बालोबासी बोला तो बंदे को बोल रहे यार भूल गया, बंगाली भूल गया बंदे को। तो हम भी टेस्ट करेंगे, खाएंगे, मान दे दो। क्या खाएंगे हम? बिना डबल कांटे वाले खाएंगे, सिंगल कांटे वाला मछली। सिंगल कांटे वाला मछली, ओके। तो सिंगल कांटे वाला मछली भी खाएंगे। पांच प्रकार का मछली है, इसलिए मिलता है। तो गाइस हम ट्राई करेंगे। मैंने 2019 में खाया था, 19 के बाद मुझे टेस्ट इतना याद नहीं है, आपको भी बताएंगे। पता लग गया टेस्ट का, खुशबू बहुत तेज है यार, वहाँ तक आ रहा था, जैसे हमने ऑटो घुमाया ना वहाँ तक आ रहा था। तो गाइस बने रहिए, आपको भी दिखाएंगे। तो हम तो खाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो गाइस भाई से पूछते, भाई खा रहा है, पहले भाई का टेस्ट जानते। तो भाई ये क्या खा रहे हो आप? ये सिंगाड़ा मच्छी है, सिंगाड़ा वाली होती है। अच्छा हाँ। तो आप कब से खा रहे हो? रोज खाते हो आप? यही रोज नहीं है, जब मेरा मन करता है, बट इन्हीं अंकल के पास खाता हूँ कि इनका टेस्ट बनाने का तरीका अच्छा होता है, काफी अच्छा बनाते हैं, और भी जगह बनाते हैं, बट एक्चुअली वो टेस्ट नहीं आता जो इनके पास होता है। चंडीगढ़ में और कहीं टेस्ट नहीं है, सिर्फ अंकल के पास ही है। आपको क्योंकि मैं पूरा चंडीगढ़ घूमता हूँ, बट ये टेस्ट नहीं आता है जो इधर है। बनाते तो बहुत सारी जगह बनाते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे जगह सारी पता है, बट स्पेशल में यहीं पाता हूँ खाने। जगह कौन सी है? ओके, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट एरिया। हाँ ट्रांसपोर्ट एरिया, छब्बीस ट्रांसपोर्ट एरिया। तो भाई बोल रहे हैं 25 साल से भाई यहाँ पे, तो भाई यहीं से खा रहे हैं, बंगाली बाबा से खा रहे हैं। तो बंगाली बाबा एक नंबर बना रहे हैं, तो हम भी चेकेंगे गाइस, तो आपको भी दिखाएंगे। तो अभी चंडीगढ़ आना तो 26 में आना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट एरिया में आना, तो आपको भी खाना जहाँ पर ट्रक का लोडिंग अनलोडिंग होता है। ट्रांसपोर्ट आप, क्योंकि जहाँ पे बंगाली बाबा होगा वहाँ आना, वहाँ खाना। तो हम चेकेंगे, पहले आपको छोटा मोटा रिव्यू भी देंगे आपको। तो गाइस ये सिंगाड़ा अपना, दोनों सेम ही है ना? सेम ही है। तो पहले चेक के बताएंगे आपको सिंगाड़ा। थोड़ा सा देना भैया, गरम है इसका नाम अमीर है, इसका गन्ने का रेडी है, इसका वीडियो बनाना पड़ेगा। ये अमीर भाई है, तो अमीर भाई से हम बहुत लंबे टाइम से जानते हैं अमीर भाई को भी हम। तो अमीर भाई एक नंबर बना है। तो गाइस हम यहाँ पे टूट पड़ते हैं, तो थोड़ी देर के बाद मिलेंगे आपसे। बहुत बढ़िया बन रहा है, आओ। तो भाई घर का याद आ गया, सिंगाड़ा मच्छी खा के। ये गाइस सिंगाड़ा मच्छी, तो ये गया मुंह में। सिंगल कांटे का मच्छी है ये, बहुत बढ़िया। आ गया भैया के घर, बल्ब बल्ब लगा दे भैया ने, तो बल्ब बल्ब लगा दे। भाई साहब एक ही है इसमें? हाँ एक ही है। ये बाहर भी रहता है ना पानी के? हाँ मैंने आज हाथ में पकड़ा है इसको। अच्छा थैंक यू। क्यों इससे डर? क्या क्या लग रहा है? मैंने पकड़ के दीदी को दिखाया था। किसको? अच्छा डर लगता है दीदी को? क्या डर लगता है? अरे क्या डरना है, काटता है चीनू। चीनू बोले तो ऊपर आता है।
चिनो 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 आज 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 ये क्या खाता है? ये पनीर पनीर खाता है, पनीर और चिकन। ये चिकन खाता है, पनीर खाता है, ये खाता है पनीर। मैं दाढ़ी काट दिया मगर बैटरी खत्म हो गई, आधा ही आधा ही आधा ही रह गया। चार्जिंग लगा दे फिर इसको, चार्ज पे लगाता हूँ। सो गाइस मैं नमाज पढ़ लिया तो मशीन का यूज़ कर रहा था दाढ़ी काटने के लिए, क्योंकि कल से फिर ड्यूटी ज्वाइन हो रहा है तो आधा ही काटा, तो फिर चार्ज लगाऊंगा सुबह काटूंगा। तो भाई तो देख लो, भैया हो गया सो गया तो मैं भी सोता हूँ। 11 से ऊपर कितना हो रहा है? 12 बजने को हो गया ना, 12 बज रहा है तो सुबह 5 बजे उठना है। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं, बाय बाय।